फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं गूगल शीट पर मैं हूं और आज हम गूगल शीट पर एक शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। वो शॉर्टकट की क्या है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये कलर रख देता हूं। ये देख सकते हैं यहां पर ये लिखा हुआ शीट नंबर 1 है, देख सकते हैं। इसको आप चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं, यहां से जाकर के रीनेम कर दीजिए। इसे मैं कर देता हूं माय शीट, तो ये एक नाम दे दिया मैंने माय शीट और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे यहां पर माय शीट आ रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको एक नया शीट चाहिए, लेकिन हम यहां पर क्लिक नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट की मदद लेना चाहते हैं। तो शॉर्टकट की मदद से कैसे हम नया शीट लेके आ सकते हैं, इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि ये शॉर्टकट की क्या है। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन बटन। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे, नई शीट ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ये माय शीट हमारी वाली शीट थी और यहाँ पर शीट नंबर 3 ये ऐड हो गई है इसमें। अगर फिर मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ F11, तो आप देखेंगे कि एक और शीट, शीट नंबर 4 ऐड हो गई है। इन दोनों को ही मैं एक नाम दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ 3। तो शीट 4 को मैं नाम दे देता हूँ 3, कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब देखिए, अगर फिर मैं शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शीट 5 ऐड हो गई है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप शीट ऐड करा सकते हैं केवल शॉर्टकट की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।